बलौदा बाजार लगातार होनहार का छात्र रहा है। इस बार देख सकते हैं 10वीं और 12वीं में अलग अलग नजरें जारी हुई, जिसमें टॉपर बीटी हमारे साथ मुझे 10वीं की परीक्षा में 5वां रैंक हासिल करने वाली निधि हमारे साथ मौजूद है। निधि, बहुत बहुत बधाई न्यूज 18 की तरफ से। धन्यवाद सर। कैसी तैयारी रही बेटी आपको? सर अच्छी थी, बहुत मेहनत की मैंने और इस वजह से ये रिजल्ट देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। कैसे, सबसे पहले जानकारी हुई रिजल्ट की आपको? ये से लिंक शेयर किए थे, उससे मैं लिंक से खोली और उसमें देखी। लग रहा था कि इस बार टॉपर में नाम आएगा आपको? जी सर, मेरे मेहनत के हिसाब से मुझे लग रहा था। निधि के पापा यहाँ पर मौजूद है, सर कितनी खुशी है आपकी बेटी टॉपर रही है, कैसे आपको पता चला? जब पता चला तो कैसा लगा आपको? सर हम लोग लगभग 10 बजे से ही इंतजार कर रहे थे कि आज जो रिजल्ट आना है उसका इंतजार था, क्योंकि लगातार अपने पढ़ाई में अपना टाइम देती थी। और आज अभी 12:30 बजे जब रिजल्ट घोषित हुआ तो हम लोग साथ में ही बैठे थे और वहाँ News24 में पहले हम लोग देखे, बाद में हम लोग का जो रिजल्ट बाद में मतलब ओपन हुआ लेकिन उसमें पहले देखे। देख सकते हैं न्यूज़ में इन्होंने पहले देखा, उनकी माँ यहाँ मौजूद हैं, कितनी खुशी लग रही है। माँ हमेशा गिरड़ी ज़्यादा होती है, तो बेटी की किस तरह से मदद की? सर मतलब मदद करने के लिए तो वो खुद अपना तैयारी कर रही थी, बस उस वो अपना टाइम दे सके इस चीज़ का मैं ध्यान रख रही थी। और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरी बेटी Top 10 में आई है, मैं बता नहीं सकती इतनी खुशी हो रही है। माँ पापा के जी इनके पिताजी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ? मतलब इसका जो भी रिजल्ट आया है उसमें इस साला परिवार का जितने भी प्रिंसिपल हैं, सभी मैम हैं, उन लोगों का बहुत ही योगदान है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है, टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैम, कैसी तैयारियां रही सभी बच्चों की? आपके दो बच्चे 10वीं 12वीं दोनों में टॉपर हैं, किस तरह से आप लोगों ने पढ़ाइयाँ की? और हम लोगों ने बहुत अच्छे से गाइडलाइन तो दिए, लेकिन डेफिनेटली बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत किया और हमें पेरेंट्स से भी बहुत सपोर्ट मिला। पेरेंट्स भी समय समय पर PTM रखते थे तो आके पूरी तरह से हम लोग का सलाह को मानते थे, समझते थे। और बच्ची बहुत होनहार है निधि भी, और कोपल अम्बस्त भी हमारे स्कूल से जो CG बोर्ड से Top 2nd में आई है 12th स्टैंडर्ड का, उसने भी बहुत मेहनत की। और हमें उम्मीद है ये दोनों बच्चे आगे चलकर भी अपने भविष्य में बहुत कुछ ऊंचाइयां हासिल करेंगे, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है उनका। बच्चों जब आगे बढ़ते हैं तो टीचर किस तरह से खुश होते हैं? इनकी आंखों में अभी भी आंसू झलक रहे हैं, कैसी खुशी? जी बहुत खुशी है और हमें तो प्राउड फील हो रहा है कि हम जो मेहनत किए थे और टीचर बनने का जो एक था कि हाँ हम बाय चॉइस एंड बाय चांस प्रोफेशन होता है,